स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी उपस्थित हुए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण से पूर्व नायब सिंह सैनी ने शहीद स्मारक पर जाकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज सैनिकों को नमन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें सैल्यूट किया। इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ी ने आकर्षक मार्च पास्ट भी किया। इस अवसर पर बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने देश को आज़ाद करवाने वाले जाबाज शहीदों को नमन करते हुए भाईचारा, प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान जन समूह से किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र की भाजपा सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है और अंत्योदय योजना उसी का परिणाम है। बलिदान कर दिया, इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज मुझे यहां ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से हम सब आजादी का अमृत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की माटी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। उन चिंगारी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहकार बंधु, आजादी की क्षेत्र में वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों में के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों का किया, जिसके बलबूते हम सब 1947 में कम अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। 1947 में अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अम्बाला छावनी में शहीद स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद भी 1962, 1965, 1972 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है।